नमस्ते, माय नेम इज उर्मी पंड्या एंड आज मैं बात करने वाली हूँ अबाउट इनहेल एक्सेल, यानी हम प्रॉपर इनहेल एक्सेल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सो हम अभी दो बार डीप इनहेल यानी सांस लेंगे एंड एक्सेल यानी सांस छोड़ेंगे। एंड नोटिस करना ये है कि हम प्रॉपर इनहेल एक्सेल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पहले एक चीज नोटिस करनी है कि हम 10 सेकेंड्स, अगर हमें इनहेल करने को टाइम लग रहा है तो 10 सेकेंड हमें एक्सेल करने में भी टाइम लगना चाहिए। सेकेंड चीज, इनहेल एक्सेल कम्प्लीटली नोज से करना है, माउथ से नहीं करना है। थर्ड चीज ये नोटिस करनी है और मेन चीज है कि जब हम इनहेल कर रहे हैं तब हमारा स्टमक आउट आ रहा है या इन जा रहा है। सो लेट्स डू इट। आईज क्लोज करना चाहो तो आप कर सकते हो। नाउ डीप इनहेल एंड एक्सेल 2 टाइम्स हम करेंगे। सो कुछ लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब वो इनहेल कर रहे हैं तो स्टमक आउट आ रहा है, और कुछ लोगों ने नोटिस किया होगा कि वो इनहेल कर रहे हैं तब स्टमक इन जा रहा है। सो राइट टेक्निक क्या है? राइट टेक्निक ये है कि जब हम इनहेल कर रहे हैं तब हमारा स्टमक आउट आना चाहिए एंड जब हम एक्सेल कर रहे हैं तब हमारा स्टमक इन जाना चाहिए, एंड दिस इज द राइट टेक्निक। हमें यही चीज को सीखना है, नोज से इनहेल एक्सेल करना है, स्टमक आउट आना चाहिए जब हम सांस ले रहे हैं, स्टमक इन जाना चाहिए जब हम सांस छोड़ रहे हैं। और एटलीस्ट ये चीज पे भी फोकस करो कि 5 सेकेंड या 10 सेकेंड अगर आप इनहेल कर रहे हो लाइक, तो एक्सेल करने में भी उतना ही टाइम लगना चाहिए। ओके, सो इनहेल एक्सेल करने का ये मेन टेक्निक है और आपको ये चीज पे फोकस करना है। रेगुलर अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इस पे ज्यादा फोकस करोगे तो हो जाएगा। नाउ उसके बेनिफिट्स क्या है? ब्रीथिंग एक्सरसाइज के बेनिफिट्स क्या है? हमारा डिसीजन पावर स्ट्रांग होता है, यानी हम कुछ भी चीज सोच रहे हैं या हम किसी चीज का डिसीजन ले रहे हैं तो यस, वी कैन डू डीप इनहेल एंड डीप एक्सेल। इससे क्या होगा? हमारी डिसीजन पावर स्ट्रांग होगा, हमारा फोकस बढ़ेगा, हमारा माइंड काम रहेगा, हम ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे, हम ज्यादा फोकस लाएंगे। जो भी काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आप बहुत रिजल्ट पाओगे अगर आप ज्यादा अच्छे से ब्रीथ पे फोकस कर रहे हो। देन इससे हमारी डाइजेस्ट सिस्टम इम्प्रूव होगी, हमारे टमी यू नो एब्डोमिनल फैट अगर होगी तो वो भी बर्न होगी। बस ये चीजें ध्यान रखनी है कि जब आप डीप इनहेल एक्सेल यानी जब ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर रहे हो, यानी जब ऑल प्राणायाम, सारे प्राणायाम्स रेगुलर आप कर रहे हो, तो जब आप लेडीज प्रेग्नेंट या पीरियड्स में हो तो नहीं करनी है। सेकंड, अगर आपको कोई बीपी या डायबिटीज का कोई इश्यू है तो आपको या तो कोई योगा टीचर्स को पूछ के करना है कि कौन से उनको प्राणायाम करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, या एक बार डॉक्टर्स को पूछ लो कि आपको करना है कि नहीं करना है। थर्ड चीज, जब भी आप प्राणायाम कर रहे हो रेगुलर, उस टाइम में आपको ध्यान रखना है कि आपका स्टमक एम्प्टी यानी खाली होना चाहिए। जब हमारा पेट खाली होगा तब ही हमें प्राणायाम करना है, प्राणायाम खाली पेट ही करना है। प्लीज ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। इसीलिए मैं आपको ऐसा सजेस्ट करूंगी कि आप ट्राई करो कि मॉर्निंग में ही आप प्राणायाम करो, एंड दैट्स इट। सो आप डीप इनहेल एक्सेल प्रॉपर करिए एंड अपनी आयु भी बढ़ा सकते हो, अपनी स्किन ग्लो कर सकते हो, अपने हेयर ग्रोथ कर सकते हो, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स आप अपनी रूटीन लाइफ में देखेंगे। सो नाउ आप अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ ये टेक्निक यूज कर सकते हो और उनको बोल सकते हो कि वो प्रॉपर इनहेल एक्सेल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और आप उनको भी सिखा सकते हो। हमेशा याद रखना है, व्हेन यू इनहेल स्टमक आउट, व्हेन यू एक्सेल स्टमक इन। ओके, सो थैंक यू सो मच, और कल फिर से मिलता है। बाय।